दोस्तों मिड सीजन फिनाले से पहले बिग बॉस के घर में टिकट टू फिनाले के लिए टास्क हुआ। इस टास्क को जो जीतने वाला था वो पारस छाबड़ा थे और उन्हें अपने साथ एक लड़की को चुनना था जो कि उनके साथ फिनाले में पहुंचती। और पारस के कनेक्शन मजबूत होने की वजह से घर के अंदर माहिरा के साथ वो फिनाले के अंदर पहुंच गए। अब सलमान खान ने शुरुआत से ही ये बात सबके साथ क्लियर कर दी थी कि ये जो गेम होने वाला है 4 हफ्तों का, ये कनेक्शन का होने वाला है। और आपको बताने वाले हैं कि क्यों घर के अंदर से रश्मि, देबोलीना और शेफाली जो है वो वोट आउट हुए हैं। अगर बात करें तो घर के अंदर हाल फिलहाल कनेक्शन सिर्फ 3 लोगों के बनते दिखाई दिए, जिनके अंदर से पारस और माहिरा का कनेक्शन था। अगर बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला और सहनाज का भी कनेक्शन था ग्रुप की वजह से, और वहीं बात करें तो आसिम रियाज और आरती सिंह का कनेक्शन था और इसी कनेक्शन के दम पर वो आगे पहुंचते नज़र आए। वहीं सलमान खान रश्मि को ये कहते हुए नज़र आने वाले हैं कि आप घर के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, इतनी फेमस सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी घर में एक कनेक्शन नहीं बना पाई, ये बहुत ज़्यादा लालच की बात है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सलमान खान घर के बाकी लोगों पर भी आज बहुत नाराज़ होने वाले हैं, जहां पर टिकट टू फिनाले टास्क के लिए उन्हें लगता है कि जो जिसे टिकट टू फिनाले मिला है वो बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं है, और इस बात को लेकर सलमान बेहद ही गुस्सा होते नज़र आएंगे। अगर घर के अंदर देखा जाए तो फाइनलिस्ट की लिस्ट के अंदर सबसे पहले रश्मि, सिद्धार्थ शुक्ला, सहनाज और आसिम रियाज, पारस छाबड़ा और उनके साथ देबोलीना नज़र आती हैं, लेकिन टिकट टू फिनाले मिलने के बावजूद भी घर के अंदर डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है माहिरा, ऐसा सलमान खान ने उन्हें मुंह पर कह दिया। और इस बात का बुरा माहिरा को भी लगता है। अगर देखा जाए तो घर के अंदर अभी तक सभी से स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट हमेशा से ही डेंजर जोन में नज़र आए हैं, और जो कंटेस्टेंट इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते वो इजीली आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, घर के अंदर जो ये डिसीज़न लिया गया है ये क्या सही लिया गया है? क्योंकि अगर देबोलीना उस टाइम पर मैच ड्रॉ करा देती तो शायद से घर का ये फैसला जनता लेती, और जनता जनार्दन है और वो सही फैसला लेकर सही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को आगे भेजती। अब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी भरा रहा, और वीकेंड का वार पर सलमान खान अब घर के अंदर सबकी क्लास तो लगाने वाले ही हैं, लेकिन घर के फिनाले के अंदर जो लोग पहुँचे उनसे बहुत नाखुश भी हैं। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, आगे क्या ट्विस्ट आने वाले हैं वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के आने से, आप कमेंट करके अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।